अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आपके भाई के दिमाग में एक अलग सा आइडिया है। आपके भाई ने सोचा कि ऐसा करना चाहिए तो मजा भी आएगा और बहुत अच्छी चीज भी होगी। और वो अच्छी चीज क्या होगी, फिलहाल हम जुम्मे की नमाज पढ़ने चलते हैं। वो अच्छी चीज क्या होगी वो आप लोग बताते हैं, तो जुम्मे की नमाज पढ़ने चलते हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज पढ़ ली और इतनी गर्मी जिसकी कोई हद नहीं, 38 डिग्री और फील्स लाइक 45 हो रहा है। मतलब ऐसी गर्मी, आप लोग समझ लें। अभी एसी ऑन किया गाड़ी का तो कुछ ठंडा हुआ है, वरना तो पसीने से भर गया आपको। ठंडी पानी बोतल ले रहे थे, फुल चिल्ड हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताओ गर्मी कैसी है भाई? 38 डिग्री है। आपको लग रहा है मैं मुंह धो गया हूं? नहीं, मुंह नहीं है, पसीना। अच्छा, फील्स लाइक 42। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बैठो गाड़ी में बैठो भाई। सीन क्या है आज पता है? सीन क्या है पता है आज? नहीं बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा कि सीन है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बता आज क्या सीन है? क्या सीन है? अभी मैं नहीं बता रहा यार, ऐसे तो नहीं करो मैं भाई। चलो बता देता हूँ, तुम लोग इतना कह रहे हो तो आज सीन ये है कि भाई आप लोगों को भी बता देता हूँ। आज हम लोग क्या करेंगे, एक रैंडम बंदा पिक करेंगे, मतलब कोई एक रैंडम जरूरतमंद पिक करेंगे और उसको पहले कपड़े दिलाएंगे, उसके बाल कट करवाएंगे और खाना खिलवाएंगे, उसके साथ आज का पूरा दिन हम गुजारेंगे। तो तैयार हो भाई? तैयार है, तैयार। आज मैं सुबह उठा, जुम्मे का दिन था, मैं कोई नेक काम करना चाहिए, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। सही है भाई, कैसा आइडिया? चलो फिर कोई बंदा ढूंढते हैं रोड पे, इधर कहीं ढूंढते हैं। चले भाई, एक बंदा तो मुझे दिखा है, यहाँ पर बैठा हुआ है, गाड़ियां गुजर रही है, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखे भाई, यहाँ पर दो चाचा बैठे हुए हैं। बड़ी मुश्किलों से मैंने चाचा को मनाया है, वहाँ पर चाचा ने बोला भाई मैं मजदूर हूँ और मैं बस अब घर जाऊंगा, सुबह से दिहाड़ी नहीं लगी। सही है, तो मैंने चाचा को बोला आप मेरे साथ आओ, मिट्टी उठानी एक जगह से। चाचा आ रहा है बेलचा लेके, मिट्टी उठानी एक जगह से, आप आ जाओ फिर हम चलते हैं। और देखे, ये देखे चाचा आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। एसी चला दें, ठंडा कर दें माहौल को। अच्छा चाचा, ये बताओ दिन का कितना कमा लेते हो? यकीन करो कुछ नहीं है, गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, बच्चे हैं, घरों का खर्चा। अच्छा, तो दिन का कितना अंदाजन कितना कमा लेते हो? कुछ भी नहीं मिलते हम लोग, यही मजदूरी, कभी मिट्टी आ जाते है, कोई सफाई आ जाते है वो कर। अच्छा, हमसे मिट्टी उठाने का कितना लोग है? मट्टी कितना है वो काम? हमारा मट्टी इतना है कि 20 बेलचे में उड़ जाएगा, 20 बारी में। मैं वो कर देगा आपको, आपको ऐसे भाई बंजू वाला। ठीक है, कर देगा। देगा। अच्छा ये बताओ क्या खाओगे? खाओगे क्या? नहीं नहीं, खाना तो कुछ नहीं है, आपको बड़े मेरा भाई। नहीं कुछ तो खाओगे, ठंडा? नहीं, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी? अल्लाह आबाद रखे यार, सब कुछ। क्या बोलते हो, क्या खिलाए चाचा को? दूध सोडा पियोगे चाचा? नहीं जी, अल्लाह आपको खुश रखे। अरे आपने दूध सोडा पिया है? नहीं 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 पिया दूध सोडा। आपको दूध सोडा ट्राई कराते, क्या बेहतरीन चीज़ है। मेरा बानी यार आपका। नहीं नहीं नहीं, नहीं अकेले हम कैसे खाएंगे? नहीं नहीं, मल्टी बता दो आपको। अच्छा, गाड़ी में आते तो किराया कितना लगता है? 70 रुपए किराया एक सीट का लगता है। औरंगी टाउन से इधर तक, बादराबाद तक 70 रुपए लगता है? 70 रुपए आने जाने का, 140 रुपए का। अच्छा अच्छा, और कमाई दिन में वो नहीं हो, किराया लगता है? किराया तो लगता है भाई। अच्छा अच्छा, लाजमी बात। बाकी गाड़ी ठंडा हुआ, एसी चल रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा चाचा ये बताओ, शादियां कितना किया हुआ है? एक ही शादी। और बच्चे कितने? 3 बच्चे हैं, एक बच्ची है। तुम्हारी उम्र देख के तो मुझे लगा तुमने 3-4 तो शादियां किया हुआ होगा। हम लोग यकीन करो गरीब लोग हैं। अच्छा चाचा, आपकी उम्र क्या है? उम्र क्या आपकी? हमारा उम्र 60 से जो ऊपर जा रहे हैं, 62। ओए ओए चाचा, ये तो तुम्हारा बड़ा। सारी जिंदगी से मजदूरी, उम्मीदों को देख। सारी जिंदगी मजदूरी किया, यही मजदूरी है, खुदाई है। लेकिन ये कि हलाल कमा रहा है ना तुम, हलाल का मजदूरी, ये बेहतरीन काम कर रहा है ना तुम। ये मांगने से अच्छा है कि तुम, हाँ मांगने से अच्छा है कि तुम अपना हलाल कमाए, ये ज्यादा अच्छा है। जन्मदिन किस दिन तुम पैदा हुआ था? वो तो पता भी नहीं होगा ना, पठान लोगों को क्या पता। चलो खान बादल, ये आपका आ गया दूध पाकोला, ये आप पियो और बताओ कैसा है टेस्ट में, बताओ कैसा है, बताओ कैसा है। ठंडा कर दिया इसने अंदर तक, ये पूरा ठंडा कर देता है। चाचा दूध पाकोला सोडा तो पी लिया ना, मजा आ गया, ठंडक हो गया अंदर। अब आप चलो बाल कटवाते हैं आपके, सही है? नहीं, बाल तो हमारा सही है वो। नहीं नहीं सही नहीं, ऐसा सेटिंग करेगा पप्पू बच्चा बनाएगा, फेशियल वेशियल कराएगा आपका। अरे चलो आपको करता है अभी सबसे। अल्लाह आपको खुश रखे, बाल काटना नहीं है बाकी। अब अपने बादल भाई का वो ले आए हैं सलून पर और यहाँ से बाल कटवाते हैं हसनैन के सलून पर ले आए। भाई ये आ गए हसनैन के सलून पर, हसनैन वो खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, हमसे पहले ही पहुँच गए, चले भाई। फुल चिल माहौल बन रहा है तुम्हारे सलून पे तो, ठंडा ठंडा। चाचा को ले आओ अंदर, हाँ बैठो, हटाओ तो तुम्हारा बाल कटेगा ना, इसको हटा दो। अब चाचा को बना दिए, इसको बोलते क्या है वैसे? इसको
नेक रोल बना दिया चाचा को। अच्छा नेक स्ट्रेचर, ये कटिंग करते हुए बाल अंदर नहीं जाए इसलिए पहनते हैं। अच्छा सामने देखो क्या है, सब सेट है, मजा आ रहा है। अब भाई चाचा को लग रही है मशीन, ये देखे ये लग रही है चाचा को मशीन, बाल सेट हो रहे हैं। अब चाचा सो तो नहीं गया? नहीं नहीं चाचा, चाचा नींद तो नहीं आ रहा है? नहीं नहीं यार, उठाओ है ना चाचा, बारिश नहीं हो रहा है, बाल कट रहा है, पानी मारा बारिश हो रहा है। चाचा की हो गई भाई कटिंग, ऑलमोस्ट कटिंग हो गई। चाचा कैसा पप्पू बच्चा हो गया? तुम आया था बादल खान, शाहरुख खान बन गया है। सही बात है, सही बात है। अब हेयर ड्रायर से हवा लगी है, सारे बाल कट जाएंगे। आप तो बादल खान बन गए थे, शाहरुख खान हो गया, अभी तुम और शाहरुख खान हो जाएगा। अब चाचा हम आपको दिलाने जा रहे हैं जोरा, सही है कपड़ा। अब ये बताओ कौन से रंग का लोगे, कौन से रंग का? काला नहीं लोगे? काला आपके भाई का फेवरेट होगा, ब्लैक पहना। काला नहीं, सफेद हो। अच्छा सफेद हो, अच्छा अच्छा। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तुम देख के परेशानियों का ये हो क्या रहे? थोड़ा सा हुआ फिर बता दिया। पाकिस्तान में ऐसा पीस पैदा होता है? नहीं होता है ना, ऐसा पीस तो बाहर मुल्क में होता है ना। देखो कह रहा है बाहर मुल्क से आया भाई। इस वक्त हम लोग बहादुराबाद पे आए हुए हैं। और कौन सी शॉप है ये वाली? इधर है चाचा, इधर आओ, ये वाली शॉप है। और इधर भाई हम सलवार कुर्ते मालूम करते हैं जरा चाचा के लिए। सफेद रंग लेना है ना? सफेद रंग ले। अच्छा ऐसा रंग हुए हुए। यहाँ पर बहुत सारे शलवार कुर्ते पड़े हैं, जो चाचा देखने हैं मैं अपने हिसाब से देख लो। अच्छा चाचा किस तरीके का तुम्हें पसंद आ रहा है, तुम खुद बतावे। अच्छा ये वाइट, वाइट ये देखो, नहीं नहीं वाइट नहीं, ये सही है, ये सही है, पिस्ता रंग है तो ऐसा ही चाहिए। नहीं ये ऐसा, ये तो अच्छा लगता है। ये देखो हम लोग ये नहीं, ये चाचा को नहीं पसंद, ये वाला, ये वाला ये वो भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, प्लेन चाहिए, ऐसा रंग चाहिए। अच्छा और कुछ समझ आ रहा है इसमें से? नहीं नहीं बस सही। और कोई लेना है? नहीं नहीं। अच्छा जाओ ये पेन कराओ। चाचा का साइज यही है? चाचा का साइज कौन सा है? पीछे मोड़ो, ये साइज चेक करेगा तुम्हारा, साइज पीछे लगेगा। अरे पीछे होता है, पीछे 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 मोड़ो, चेक करेगा। हाँ इधर से चेक करेगा, सही है साइज, तो सही है ये। इस साइज में निकाल दो भाई, इस साइज का निकाल दो। ये सही है, सही है, सही है, ये भी सही है। और तकी भाई क्या हुआ है? बीमार हूँ। बीमार ओए ओए, कल तो आपको था मैं एडवेंचर करना है, कल तक सेट हो जाओगे? कल चलेंगे बल्ले, जैसे भी बीमार हो। अच्छा बीमार में भी चलोगे, तैयार हो भाई तुम लोग कल के लिए? कल डॉक्टर भी ले जाएंगे तुम लोग? रेडी हो भाई कल के लिए? हाँ रेडी है, रेडी है, कल के लिए आप लोग भी रेडी हो जाए। चाचा हो गया तुम रेडी? कैसा शलवार कुर्ता, फिटिंग सही है? माशाल्लाह जबरदस्त। अब घर जाके बीवी को बोलना इस्त्री करे सही से, सही है। अच्छा सब कुछ हो गया, अब बताओ क्या रहता है? अब क्या रहता है, कुछ लेना है? नहीं नहीं अल्लाह बस आबाद रहते हमारा। चाचा तुम्हारा चप्पल और खाना भी रहता है? नहीं नहीं तो बिल्कुल नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? अल्लाह आबाद रखे, खाना तो वापस से खा लो, मस्ता थोड़ी है, खुश रखे यार। अब आप बताओ बीफ पुलाव खाओगे क्या खाओगे? नहीं हम लोग कुछ नहीं खा सकते। अरे तो अच्छा ये बताओ चप्पल कौन सा? चप्पल कोई से भी दिला दे, कोई से भी दिला दे। अब जरा स्लीपर्स दिला दें चाचा को। चप्पल कहाँ से मिलेंगे अच्छे? यहाँ से मिल जाएंगे ना, बस यहीं से दिला देते हैं। बंद करो दरवाजा। चाचा जो पसंद आ रहे हैं वो ले लो, वैसे जो पसंद आ रहे हैं ले लो। देखो कितने अच्छे अच्छे शूज पड़े हुए, स्लीपर्स। कौन सी पसंद आई है चाचा को? ये पसंद आई है? नहीं नहीं वो मजे का नहीं, वो थोड़ा हल्का है। ये देखो नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट, हाँ ये वाला अच्छा है। यहाँ से देख लो कौन सा पसंद आ रहा है, ये दिखा दो, दिखा दो भाई, दिखा दो नीचे वाला देख लो। हाँ ये दो पट्टी देख लो, ये देख लो, ये कैसा है? ये भी सही, ये सही है, सॉफ्ट है, बिल्कुल सही। ये देखे बिल्कुल नरम नरम है ना, ये सही है, ये भी सही है, ये हाँ सही है। साइज इनका ही है ये? सही है, दे दो। चाचा सही है, चलने वाले में तंग तो नहीं कर रहा चाचा? बेहतरीन है। अच्छा ये बताओ चाचा सबसे ज्यादा मजदूरी कितना की है दिन में? मजदूरी तो हम लोग ये सारे जिंदगी मजदूरी किया, लेकिन दिन में हम लोग ने 400-400 रुपए का, 400-400। सबसे ज्यादा दिन में कितना कमाया है? दिन में तो ईद से बाहर हम लोग फिर खुदाई का काम करते हैं ना, वो 1200-1600। ओए ओए अच्छा अच्छा। पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा, बीफ पुलाव खाएगा, बिरयानी खाएगा, क्या खाएगा?
क्या खाएगा? कुछ नहीं खाएगा, खाना खाएगा। ये तो चाचा खाना ही नहीं खा रहा। खाना खाएगा। बन कबाब खाएगा? नहीं भाई, वो लस्सी पी लिया, वो बड़े मेरा। अरे बन कबाब खाएगा, वो लस्सी थोड़ी था। अच्छा लस्सी पिएगा? नहीं नहीं यार, ये तो कुछ खा ही नहीं रहे भैया। खाना हम लोगों ने यार, हमें भी भूख लगा हुआ है। अच्छा खाना दिल नहीं। अच्छा जब तक आप खाओगे हम नहीं खाएंगे। चाचा आप अपनी बीवी के साथ खाएगा? नहीं नहीं, खाना हम लोग तकरीबन 8 बजे 9 बजे घर पहुँचेगा। अच्छा तब खाएगा? अब देर से खाना हम लोग खा दे, इतना खाना शाम का खा लो। इस गर्मी में खाना हम लोग इतना ज्यादा नहीं। अच्छा चाचा आधा खा लो। अच्छा आधा खा लो बस। हाँ खा लो, आधा खा लो, मजे से खाओ बैठ कर। ये तो चाचा बर्गर को रोटी की तरह खा रहा है। ये क्या इतना सा खाएगा? खाते यार, यकीन करो ये चीज हमारे को मन है। तो क्या खाएगा तुम? नहीं, नहीं खाया, खाना जो हम खाते सादा। अरे कौन सा सादा खाना खाते हो? खाया हुआ है ना, अभी खाने का टाइम हम लोग। अच्छा चाचा टोपी वोपी कुछ चाहिए? चाचा कहाँ गया? नमाज पढ़ने चले गया चाचा। चलो भाई असर की नमाज पढ़ने हम लोग आ गए। चलो सही है चाचा, आपको खुश रखे अल्लाह, सबको आबाद। ठीक है, सही है चाचा, अल्लाह आपको जिंदगी दे। तक्की भाई की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, अब इसको हॉस्पिटल लेकर आ चुके हैं। इसे टेस्ट वेस्ट कराते हैं, चेक कराते हैं इसको हुआ क्या। आ गए भाई हम हॉस्पिटल के अंदर, अब चेकअप कराते हैं। मरीज साहब क्या लेने जा रहे हो? दवाइयाँ। अच्छा दवाइयाँ, कितना बुखार है अभी भी? 101। भाई यहाँ देखें, ये ग्रिल देख रहे हैं कितनी गंदी हो गई। ये देखें भाई आप लोग, बिफोर आफ्टर खुद चेक कर लें, देख रहे हैं भाई। और मरीज उठ भी जाओ, घर आ गए, दवाई लेके जाओ, दवाई खाओ भाई, तबीयत सेट करो, कल एडवेंचर के लिए रेडी हो जाओ। कल के लिए रेडी हो जाओ, कुछ भी हो जाए। कल चलेंगे, कल चलेंगे। अच्छा बल्ले बीमार मरीज बन गया भाई ये पूरा। भाई इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके बताएं आज का ब्लॉग कैसा लगा। इंस्टाग्राम पे राफे दानिश नाम से फॉलो कर लें। हमने तो सोचा था बादल खान भाई जो हमारे हमें मिले थे, हम उनके साथ कोई बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे और खाएंगे, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे घर पहुंचना है, बीवी बच्चे भूखे हैं, ये वो। तो फिर हमने बोला आप चलो चले जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, ऐसे ब्लॉग हमें और बनाने चाहिए या नहीं। आप लोग ये चीज सारी कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।